ये क्या हुआ? मैंने सोचा कि अभी बारिश वाला मौसम होगा, लेकिन अचानक से मौसम चेंज होगा, बिल्कुल चेंज हो गया। अरे यार, ये मौसम कैसा है बताओ। अभी जस्ट मैं नीचे देखा था कि मौसम चेंज है, ऊपर का बारिश वाला मौसम होने वाला है, तभी मैं भाग के ऊपर आया। लेकिन यार कमाल है यार, ये वेदर का भी कोई ठीक नहीं है। अनसर्टन अनसर्टन कुछ भी हो जाता है ये वेदर में। कमाल है, इतना हाफ गया ऊपर आने में के चक्कर में। मैं सोचा कि जाऊंगा छत पे थोड़ा टहलूंगा, मौसम काफ़ी अच्छा होगा, देखूंगा थोड़ा ऊपर से व्यू देखूंगा। लेकिन अचानक से यार, अरे भाई साहब इतना धूप है, तो भाई साहब कमाल का धूप हो रखा है ऊपर में। बिल्कुल देखिए आसमान साफ है, ये देखिए। अभी 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है, मतलब अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लग जा रही है, फिर तूफान ही बहुत तेज़ आ रहा है, और अचानक से फिर धूप आ जा रहा है। मतलब कि वेदर एक जगह स्टेबल नहीं है, रहते रहते कभी बारिश का जैसा मौसम हो जाता है, आसमान बिल्कुल छा जाता है, बादल छा जाते हैं, फिर अचानक से आसमान साफ हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए। ये देख रहे हैं आप लोग, अचानक से आसमान साफ भी हो जाता है, पता ही चलता है कब क्या हो जाएगा। कभी बहुत तेज़ बारिश हो जाने लगी, कभी कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो यार देखते हैं एक बार माहौल ऊपर का, टहलेंगे और देखेंगे इधर का व्यू कैसा है। देखिए मैं इधर दिखाता हूँ आपको अपने बैक साइड में सारा। अभी देखिए, अभी जब मैं आया था यहाँ पर तो धूप थी और बहुत तेज़ धूप थी, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रही है। अब देखिए अचानक से, देखिए वहाँ पर देख रहे हैं पीछे, देखिए ये बादल आ गया, ये देख रहे हैं पीछे फ्लैट है, सारे सारे पीछे फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं। और उस साइड में देखिए आप कितना ज़्यादा बादल, वहाँ पे काला बादल आ चुका है। और फिर देखिए, अभी रुका हुआ मैं, और फिर देखिए थोड़ा धूप आने लगा, ये देखिए थोड़ा फिर से धूप आने लगा। तो यही हो रहा है बेसिकली, यही हो रहा है। मैं अभी घर में बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो यार छत पे जाएंगे, थोड़ा ऊपर टहलेंगे, बारिश होगा तो बारिश में थोड़ा भींग जाएंगे, नहा लेंगे। लेकिन फिर देखिए वही हाल हो गया। वो देखिए उस साइड में धूप ही धूप है, हल्का हल्का धूप है उस साइड में, और इस साइड में काला बादल है, यानी कि उस साइड बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश फिर धीरे धीरे इधर भी आ जाएगी। और बाकी मैं एरिया आपको दिखा दूँ, इस साइड में तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर पीछे साइड में देख रहे हैं उस साइड में भी, उधर में भी कोई नहीं है। मतलब धीरे धीरे लोग शाम में आते हैं, लेकिन बारिश के कारण लोग आते हैं छत के ऊपर में। तो मैं सोचा कि जाता हूँ, मैं भी टहलूंगा, 2-3 लोगों से बात करूंगा, देखूंगा क्या हो रहा है आजकल, माहौल क्या है, क्या चल रहा है, लेकिन फिर से पता ही चल रहा है। लेकिन इस मौसम में जो मौसम ये अनसर्टन चेंज हो रहा है, टाइप्स ऑफ मौसम्स जो आ रहे हैं अभी, इसके अंदर चाय पीने का मज़ा कुछ और ही है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस मौसम को फील करते हुए, होगा बारिश होगा और तूफान भी आएगा, बारिश होगा और इस बारिश में मेरे हाथों की चाय, गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। एक बार मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ उस तरह का व्यू, ये देखिए वो देख रहे हैं आप वहाँ पे, जहाँ सामने देखिए आप सामने देख सकते हैं बादल कितना है, पूरा बादल है, एकदम काला बादल छाया हुआ है, ऐसे करके बारिश होने वाला है। और फिर आप इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए धूप ही धूप है ना। तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, उधर वाला मौसम इधर आएगा या फिर इधर वाला मौसम इधर आएगा, धूप या बारिश, धूप या बारिश, इसी चक्कर में कन्फ्यूजन में आदमी सोच रहे हैं कि होने वाला है क्या है। ये इसे कहते हैं प्रलय, इसे कहते हैं कि कब क्या हो जाए। हर तरफ से आदमी झेल रहा है प्रॉब्लम, कोरोना वायरस का, भूकंप का, और ये अनसर्टन जो वेदर आ रहा है इसका, देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर चलते हैं नीचे, गर्मा गर्म चाय हो जाए, इस मौसम को एंजॉय करते हुए, क्योंकि बारिश होगी ज़रूर होगी, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद होगी, लेकिन होगी ज़रूर। A few moments later.
देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जहां मोदी जी बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए और एक जगह लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, ग्रुपबाजी करके एंजॉय नहीं कर रहे, एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, वहां पे मैं आपको एक दिखाता हूँ एक चीज़ गाँव में, देखिए जूम करके दिखाता हूँ, वो देखिए सामने आप देख रहे हैं, एक साथ लड़के लोग बैठे हुए हैं ग्रुप में, चेयर पर बैठे हुए हैं और पंचायत टाइप बैठा के और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, बिल्कुल क्लोज क्लोज, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सारे लोग बैठे हुए हैं, तीन चार लोग हैं, तीन चार लोग कुर्सी बैठे हुए हैं और ये आपस में गप्पे शप्पे कर रहे हैं बैठ के, कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, कोरोना वायरस का कोई डर नहीं है लोगों को ऐसा। A few moments later. छत पे गया था, सोचा था कि बारिश होगा, लेकिन बारिश तो हुआ नहीं। चलो बिना बारिश के ये चाय को एंजॉय कर लेता हूँ जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत टेस्टी चाय है। बिना चाय के तो ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, चाय एक बॉडी को एनर्जी देता है, फुर्ती देता है, बिना चाय का तो कोई काम ही नहीं हो सकता मेरे से, इसलिए चाय बहुत ज़रूरी है पीना। तो यही था आज का व्लॉग, सोचा था कि बारिश होगा, बारिश तो टहलेंगे, देखेंगे वेदर को, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन बारिश तो हुआ नहीं, सारा जो था पानी फिर गया बारिश के ऊपर, जो मैंने सोचा था कि थोड़ा देखेंगे छत के ऊपर से नज़ारा लेंगे, बारिश का थोड़ा हवा चलेगा, लेकिन हुआ नहीं। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से वेट करूँगा मैं बारिश का, फिर से देखूँगा कि छत पे जाऊँगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग झकास मनोरंजन, और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ देखिए इधर कहीं आस पास में, इधर साइड में कहीं एक सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट झकास ब्लॉग के साथ में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।